आई एम वसंत साहू फ्रॉम भारती ग्रुप ऑफ कॉलेज दुर्ग और हम आज पढ़ेंगे डायग्रामेटिक एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ओके, यानी कि लेखा चित्र और रेखा चित्रीय प्रदर्शन। ओके, तो देखो जैसे कि हमारे पास बहुत सारे समूह है या बहुत सारे सामग्री है ना, तो उसको हम आसानी से समझने के लिए क्या करते थे, अभी तक का क्लासिफिकेशन करते थे और उसका टेबुलेशन करते थे, ठीक है। लेकिन क्लासिफिकेशन और टेबुलेशन के द्वारा हम किसी भी निष्कर्ष को एक देखते ही, मतलब एक ही नजर में उसको आसानी से नहीं समझ सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या करते हैं, ग्राफिकल फॉर्म में उसको क्या करेंगे, प्रेजेंटेशन करेंगे। ग्राफिकल फॉर्म में उसको क्या करते हैं, शो करते हैं। ओके, मतलब हमारे पास बहुत सारा सामग्री है, बहुत सारा सामान है या बहुत सारे हमारे पास ग्रुप है, और यदि हम उसको ग्राफिकल फॉर्म में प्रेजेंटेशन करते हैं तो हम उसको देखते ही एक ही नजर में हम उसको समझ सकते हैं, बता सकते हैं कि इसमें उसका जो दोनों में जो अनुपात जो रेशियो है वो किस प्रकार का है, ठीक है। तो आसानी से समझने के लिए या किसी भी ग्रुप या किसी भी बहुत सारे सामग्रियों को आसानी से उसके निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन रहता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ओके, तो आइए देखते हैं कि डायग्रामेटिक पर देखेंगे हम लोग। डायग्रामेटिक मीन्स क्या होता है, रेखा चित्रीय। ओके, तो अभी तक के जो क्लासिफिकेशन होता है, टेबुलेशन होता है, उसके द्वारा जो भी समूह है उसको हम जैसे कि वर्गीकरण करते हैं, ठीक है, उसके रंग रूप उसके साइज के हिसाब से उसको क्या करते हैं, वर्गीकरण करते हैं और उसको हम क्या करेंगे, एक कॉलम में सजा देते हैं, उसको रख देते हैं, ठीक है। लेकिन उसको हम देखेंगे तो हमको आसानी से उसको दोनों के बीच जो अनुपात होता है, जो रेशियो होता है, उसको हम आसानी से नहीं समझ सकते, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सांख्यिकी में यानी कि स्टैटिस्टिक्स में क्या करते हैं, हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का यूज करते हैं, डायग्रामेटिक का यूज करते हैं। ओके, तो देखो जो डायग्रामेटिक होता है, जो रेखा चित्र है, उसका उपयोग हम क्यों करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि देखो फर्स्ट क्या है, फर्स्ट हम उसका यूज कैसे करेंगे, क्यों करेंगे, देखो उसको प्रभावशील बनाने के लिए, ठीक है, या आकर्षण करने के लिए। देखो प्रभावशीलता और क्या करेंगे, प्रभावशीलता और आकर्षण, ठीक। मतलब क्या है कि किसी को, कोई भी वो व्यक्ति है, उसको बहुत सारे सामान देखकर या बहुत सारे आंकड़े देखकर उसमें क्या होता है, एक चिड़पन आ जाता है, ठीक है, वो कंफ्यूज हो जाता है, उसमें वो एक कहा जाता है एक हरासमेंट टाइप का आ जाता है, ठीक है। तो उस तरह के जो व्यक्ति को हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा आसानी से उस चीज को हम समझा सकते हैं, ठीक है। मतलब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को इस प्रकार से बनाते हैं कि उसको देखकर वो जो व्यक्ति है उसको आसानी से समझ में आ जाए, है ना। वो जो ग्राफ हम लोग जो बनाएंगे वो उसके लिए अधिक प्रभावशीलता होता है ना, और वो आकर्षण भी होता है, ठीक है, क्योंकि ग्राफ है, चित्र है, चित्र के द्वारा हम किसी भी वस्तु को या किसी भी चीज को आसानी से समझा सकते हैं, इस प्रकार से हम उसको समझा सकते हैं, ग्राफ बना सकते हैं, ठीक है, या कुछ भी हम इस प्रकार से ग्राफ बना सकते हैं। ओके, मतलब हम जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं उसमें ये जो ग्राफ होता है वो बहुत ही आकर्षक भी लगता है देखने में, और उसके साथ साथ ही वो देखने वालों को प्रभाव भी करता है, ठीक है। इसमें किसी भी चीज को समझने में बहुत ही आसानी होती है, ठीक। तो ये हो गया आपका पहला उपयोग, हम इसको उपयोग क्यों करेंगे, ठीक है। तो प्रभावशीलता और आकर्षण के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। इसी प्रकार से यदि हम देखना चाहें तो
शीघ्र बुद्धि ग्राह्य, यानी कि जल्दी से समझने में वो क्या करता है, सहायता करता है, शीघ्र समझने में। कितने भी बड़ी से बड़ी आंकड़े क्यों ना हो या कितने भी बड़ी से बड़ी ग्रुप क्यों ना हो, हम उसको ग्राफ के द्वारा आसानी से समझा सकते हैं किसी भी चीज को। ठीक है, किसी भी व्यक्ति को हम ग्राफ के द्वारा, वो जो बहुत सारे आंकड़े होते हैं, बहुत सारे डेटा होता है, उसको हम आसानी से समझा सकते हैं। ठीक है, कि क्योंकि हम जो ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ क्या होता है, किन्हीं दो राशियों के बीच, ठीक है, किन्हीं दो वेरिएबल्स के बीच क्या करते हैं, उसका रेशियो को शो करते हैं। ठीक है, रेशियो को हम शो करते हैं। सपोज ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस में हम किसी एक वेरिएबल को लेंगे। सपोज यहाँ पर होते हैं एकड़ हो गया, चलो ठीक है एकड़ हो गया, यहाँ पर क्या हो गया प्रति एकड़ इसकी उपज लेते हैं, वाई एक्सिस में उपज हो गया और एक्स एक्सिस में क्या हो गया एकड़ हो गया। ठीक, तो हम इसमें ये जो ग्राफ है उसमें हम लोग ये बता सकते हैं कि प्रति एकड़ उपज कितनी हुई है। ठीक है, यानी कि एक एकड़ में उसकी उपज इतना होगा, है ना, पांच एकड़ में उसका उपज इतना होगा, इस प्रकार से हम इसको दर्शा सकते हैं। या आप चाहे तो यहाँ पर वर्ष भी देख सकते हैं, वर्ष करते ईयर, ईयरली भी आप इसमें शो कर सकते, मतलब इस ईयर में उसके उपज इतना हुआ है, दूसरे ईयर में उसका उपज इतना हुआ है। इस प्रकार से हम एक ग्राफ के द्वारा किसी भी चीज को, किसी भी आंकड़े को हम आसानी से समझा सकते हैं, उसमें आप क्लियर कर सकते हैं उसको। ओके, मतलब किन्हीं दो राशियों के बीच जो अनुपात होता है उसको हम ग्राफ में दर्शाते हैं। ओके, तो यह हो गया दूसरा। थर्ड क्या है, तुलनात्मक अध्ययन। जैसे कि अभी बताया मैंने आपको किन्हीं भी दो राशियों के बीच हम ग्राफ बनाते हैं, ग्राफिकल जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो किन्हीं भी दो राशियों के बीच में होता है। ठीक है, इस प्रकार से तुलनात्मक अध्ययन के लिए, ठीक, मतलब किन्हीं भी दो राशियों के बीच में हम तुलना करना चाहते हैं, तो तुलना करने के लिए देखो हम ना क्लासिफिकेशन का यूज कर सकते हैं, ना ही टेबलेशन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको हम अच्छे से समझने के लिए क्या करेंगे, आसानी से समझने के लिए क्या करेंगे, या उस वस्तुओं को, दो या तीन वस्तु भी हो सकता है, लेकिन जनरली हम दो ही वस्तु लेते हैं, दो ही वेरिएबल्स लेंगे, दो ही राशि लेंगे, जिसको जिसकी जो तुलना है उसको ग्राफ में शो कर सकते हैं। जैसे कि अभी आपको बताया था एक्स एक्सिस के और ये वाई एक्सिस, ठीक, एक्स और वाई के बीच में हम तुलना करेंगे। ठीक है, दोनों के बीच में हम कंपेयर करेंगे कि जब एक समय चेंज होता है तो वाय में उसका क्या प्रभाव पड़ता है, या वाय में कुछ चेंज होता है तो एक्स में उसका क्या प्रभाव पड़ता है, उसको हम उसका एक तुलना कर सकते हैं, उसका हम कंपेरिजन कर सकते हैं। ठीक, तो ये हो गया आपका, तीन चीजें हैं मुख्यतः जो जिसके लिए हम क्या करते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन या डायग्रामेटिक का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इसका उपयोगिता। ओके, अब हम देखेंगे कि जो आपका डायग्रामेटिक रहता है, डायग्रामेटिक रहता है उसका टाइप्स देखेंगे। ठीक है, टाइप्स ऑफ डायग्रामेटिक। ओके, तो देखो यहां पर हम सबका देखेंगे वन डायमेंशनल डायग्राम। ठीक, वन डायमेंशनल डायग्राम। ठीक है, यानी कि इसमें हम क्या करते हैं, किसी दो राशियों के बीच में ही क्या करेंगे, उसको हम तुलना करेंगे, यानी कि सिंपल फॉर्म में उसको तुलना करते हैं। ओके, जैसे कि हम देखना चाहें कि आगरा और कानपुर में जो आपका जनसंख्या है उसके बारे में हम आसानी से शो कर सकते हैं, आगरा और
कानपुर, ठीक। सबको मैं एक्स एक्सिस में सिटी को लेता हूं और वाई एक्सिस में हम क्या लेंगे उसका पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन, ठीक है, इसको ले लेंगे। तो वन डायमेंशनल जो डायग्राम होता है उसमें हम क्या करेंगे कि आगरा की जो जनसंख्या है उसका जो पॉपुलेशन है वो कितनी है, ठीक है। यहां पर हम आंकड़ा देख सकते हैं 100, 200, 300, यहां पर 400 एंड 500, इस प्रकार से हम आंकड़ा दे सकते हैं, ओके। और यहां पर हम एक काम करते हैं, जो सिटी है, जो सिटी है उसको हम ईयरली में चेंज करेंगे। 1990 में इसकी जनसंख्या कितना है आगरा में, ठीक है, फिर 2000, सन 2000 में, फिर 2010 में, फिर 2020 में, 2030 में, ठीक। इसकी जो जनसंख्या है वो कितना कितना होगा उसको हम यहां से शो कर सकते हैं। सपोज यहां पर 100 है, यहां पर 200 है, 300 है और 400, 500, इस प्रकार से आप उसको शो कर सकते हो। कैसे शो करोगे, वन डायमेंशनल में। जैसे कि हम आगरा का रखेंगे, आगरा का सपोज 1990 में जो जनसंख्या है वो कितना है, 200 के बीच है, 200 के बीच है, ठीक। फिर सन 2000 में आगरा का जो जनसंख्या है सपोज 100 ही है, यानी कि घट गया, घटना तो मुश्किल है लेकिन बढ़ जाएगा, देखो सपोज 300 है, ठीक। इसी प्रकार से हम कानपुर को देखना चाहें, अब कानपुर को कैसे हम शो करेंगे, सपोज 2010 में देखेंगे कानपुर का, तो हो सकता है उसका जो पॉपुलेशन है वो 200 ही है, ठीक। अब देखो ये तो होगा आपका आगरा का सिंपल फॉर्म में, अब कानपुर का देखेंगे तो उसको हम अलग से ऐसे उसको क्या करेंगे, कलर कर सकते हैं उसको, ठीक है। इसी प्रकार से 2020 में हम देखेंगे कानपुर का जो पॉपुलेशन है उसको सपोज 300 है, ठीक। अब देखो इससे क्या हमको पता चलता है कि जितनी जनसंख्या आगरा में सन 1990 में था उतना ही जो जनसंख्या है वो कानपुर में सन 2010 में है, ठीक। इसी प्रकार से जितनी जनसंख्या आगरा में सन 2000 में है ना, उतनी जनसंख्या कानपुर में 2020 में है। तो इस प्रकार से हम किन्हीं भी दो वेरिएबल्स के बीच या किन्हीं भी दो राशियों के बीच हम तुलना कर सकते हैं, ठीक। तो इसको हम बोलते हैं वन डायमेंशनल डायग्राम, ओके। अब हम देखेंगे टू डायमेंशनल या मल्टीपल डायग्राम, ठीक। तो टू डायमेंशनल में क्या करेंगे हम, जैसे कि अभी हम आपको बता रहे थे कि आगरा और कानपुर का देख लेते हैं, आगरा का ये कानपुर का है, ठीक है, ये पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन, ओके। अब टू डायमेंशनल में क्या करेंगे या मल्टीपल में हम क्या करते हैं, मल्टीपल इसको आप ले सकते हैं, मल्टीपल में क्या करेंगे जो हम ग्राफ अलग अलग करके लेते थे उसको हम एक साथ लेंगे, उसको कंपाउंड कर देंगे, ठीक है। देखो जैसे कि आगरा के हम शो कर रहे थे इस प्रकार से और कानपुर का शो करेंगे इसी में शो करेंगे उसको कानपुर में ऐसा इस प्रकार से, ठीक, बिल्कुल इसी तरह से हम यहां पर भी कर सकते हैं। आगे सपोज ये आगरा का है पॉपुलेशन और ये आपका कानपुर का पॉपुलेशन है, ठीक। तो इस प्रकार के जो डायग्राम होता है उसको हम बोलते हैं मल्टीपल डायग्राम या कंपाउंड डायग्राम, ओके। तो ये है आपका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, ओके। अब इसी प्रकार से हम और चाहें तो सब डिवाइडेड बार डायग्राम आप इसको बना सकते हो। सब डिवाइडेड क्या होगा, जो हम एक ही डायग्राम में या एक ही बार में, इसको हम बार बोलते हैं, ठीक है, जो कॉलम को हम दिख रहे हैं बार कहते हैं, ठीक। तो एक ही कॉलम में हम क्या करेंगे, दो से अधिक
जो डेटा है उसको हम शो कर सकते हैं यहाँ पर, इस प्रकार से उसको शो करते हैं, अलग अलग भाग उसको हम डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं सब डिवाइडेड बार डायग्राम, सब डिवाइडेड बार डायग्राम, ठीक। यहाँ पर अगर हम चाहें तो जैसे पॉपुलेशन है, तो पॉपुलेशन में इसको जो इतना पॉपुलेशन, सपोज 200 पॉपुलेशन है, ठीक, और 200 पॉपुलेशन में से कितना मेल है कितना फीमेल है या कितना शिक्षित है कितना अशिक्षित है, इसको हम यहाँ पर शो कर सकते हैं एक ही बार में, ठीक। तो इस प्रकार के जो डायग्राम होते हैं उसको हम बोलते हैं सब डिवाइडेड बार डायग्राम, ठीक, समझ आया तक का। इसी प्रकार से जो 100% बार डायग्राम होता है, शत प्रतिशत बार डायग्राम होता है, उसको कैसे करेंगे, जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि शत प्रतिशत यानी कि 100% है, तो 100% क्या करेंगे, उसको जो डायग्राम बनता है उसको मैक्सिमम तक जाता है, जैसे कि यहाँ पर 500 तक का समझ लेते हैं डेटा को, तो जो इसको बार डायग्राम होता है वो कहां पहुंच जाएगा, मैक्सिमम 100% जाता है, 100% यहां तक। इसी प्रकार से हम काम को देखेंगे तो वो भी क्या होगा 100% जाएगा, मतलब जो बार डायग्राम शत प्रतिशत चला जाता है ना, या 100% चला जाता है, इस प्रकार के जो डायग्राम है उसको हम बोलते हैं 100% बार डायग्राम, 100% बार डायग्राम, ओके। इसी प्रकार से हम और देख सकते हैं पोलर डायग्राम, पोलर डायग्राम क्या होगा, उसको ध्रुवीय फॉर्म में उसको क्या करेंगे, शो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, ओके। अब इसके बाद हम देखते हैं कि और अभी तक हम जो पढ़े हैं वो क्या है, वन डायमेंशन बार डायग्राम है, अब इसके बाद हम देखेंगे टू डायमेंशन बार डायग्राम, टू डायमेंशन डायग्राम। अब टू डायमेंशन में क्या करेंगे हम लोग, वहां पर सिंगल लेते थे, यहां पर क्या करेंगे हम लोग डबल लेंगे, ठीक है। जैसे कि हम ईयरली देखेंगे, अगर हम लोग वर्षवार देखते हैं और वर्ष मतलब ईयर के हिसाब से उसको जो औसत उपज है उसको यदि हम देखना चाहें और उसके साथ ही उसकी जो टोटल जो उपज है उसको देखेंगे और उस चीज को हमको ग्राफ में रिप्रेजेंटेशन करना है, तो क्या करेंगे उसके लिए, जैसे जिस प्रकार से आपका सब डिवाइडेड बाय डायग्राम बनते हैं बिल्कुल उसी तरह से ये भी आपका बन जाएगा, ठीक है। यहां पर आपका ईयर हो जाएगा 1990, 2000, 2010, इस प्रकार से आप ईयर ले सकते हैं, ठीक है। ये क्या है, ईयर है, ओके। ये क्या उसका जर्मिनेशन है यानी कि उपज, जर्मिनेशन, ठीक। अब इसको हम प्रति क्विंटल देखते हैं, प्रति क्विंटल के अंदर यहाँ पर 10 क्विंटल है, 20 क्विंटल है, 30 क्विंटल है, 40 क्विंटल एंड 50 क्विंटल, ओके। अब हमको ये बताना है कि इस प्रकार के जो डायग्राम है, इस प्रकार के जो डायग्राम है, अब इसको हम ईयरली वाइज देखेंगे, अब क्योंकि टू डायमेंशन है तो टू डायमेंशन में क्या करेंगे, जैसे कि भूमि में दो चीज होता है, सिंचित होता है और असिंचित होता है। सिंचित मीन्स जहां पर मतलब पानी वगैरह का साधन होता है, ठीक है, पानी वगैरह का या बोर का साधन होता है या नाले का साधन होता है, तो उस एरिया को हम क्या बोलते हैं, उसको सिंचित कहते हैं, और यहाँ पर कोई भी साधन नहीं है उसको बोलते हैं असिंचित, ठीक है। अब क्योंकि टू डायमेंशन है तो टू डायमेंशन में हम क्या करेंगे कि इसको हम दो भाग में पहले बांट देंगे, दो भाग में पहले इसको बांट देंगे, कैसे बांटेंगे, जैसे ये नीचे का है आपका सिंचित है और ऊपर का असिंचित है, असिंचित, ठीक। अब सिंचित में फसल कितना हुआ है प्रति क्विंटल या प्रति ईयर के वाइज उसका उपज कितना हुआ है उसको हम यहाँ पर शो कर सकते हैं, सपोज 1990 में इतना ही उपज हुआ है, ठीक है। फिर असिंचित में देखेंगे उसका, सपोज
20 क्विंटल और 30 क्विंटल के बीच में ही, यानी कि 25 क्विंटल है। इस प्रकार से आप उसको क्या कर सकते हो, प्रति ईयर ईयरली आप उसको शो कर सकते हो, सिंचित और असिंचित। ठीक, मतलब कहने का मतलब यह है कि एक ही बार डायग्राम में आप दो वस्तुओं को या दो राशियों को दर्शा सकते हो। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं टू डायमेंशनल डायग्राम। ओके, इसी प्रकार से टू डायमेंशनल डायग्राम में हम लिखेंगे कि ये जो डायग्राम है इसको हम बोलते हैं आयत डायग्राम कहेंगे। ठीक है, या रेक्टेंगल बोलेंगे इसी प्रकार से, और जो है इसको स्क्वायर डायग्राम कहते हैं, यानी कि वर्ग के फॉर्म में उसको दर्शा सकते हैं। इस प्रकार से एक स्क्वायर हम बनाते हैं, स्क्वायर डायग्राम बनाते हैं और उसी में हम उसको शो कर सकते हैं इस प्रकार से। ठीक, यहाँ पर भी एक से एक, एक दो एक सब ले सकते हैं, एक्स एंड ये वाई करके, और इसी में आप उसको स्क्वायर फॉर्म में उसको शो कर सकते हो। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं स्क्वायर बार डायग्राम। और इसी प्रकार से आपका सर्कुलर होता है, सर्कुलर डायग्राम होता है, तो सर्कुलर में क्या होगा, आपको एक सर्कल बन जाता है, एक सर्कल बन जाता है, इस सर्कल में उसको शो कर सकते हैं ऐसा, इस यहाँ पर ऐसा उसको शो कर सकते हो, बढ़ते क्रम में हो घटते क्रम में आप इसको यहाँ पर ऐसा शो कर सकते हो। ठीक, तो इस प्रकार के जो डायग्राम होता है इसको बोलते हैं सर्कुलर डायग्राम। ओके, अब इसी जो सर्कुलर डायग्राम में है हम पाई डायग्राम भी बना सकते हैं। ठीक है, पाई चार्ट जिसको हम बोलते हैं ना, तो इसमें भी क्या होगा, एक सर्कल बनाएंगे, एक सर्कल बनाते हैं और उसी सर्कल को हम क्या करते हैं, परसेंट के हिसाब से उसको डिवाइड करते जाते हैं। ठीक है, यानी कि 360 जो डिग्री होता है उसी से हम उसको डिवाइड करते जाएंगे, प्रति एकड़ ले सकते हैं या प्रति ईयर ले सकते हैं, उसको आप 360 के हिसाब से आप उसको डिवाइड कर सकते हो, प्रत्येक ईयर में ले सकते हो या प्रत्येक एकड़ में ले सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, याद जो डेटा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक, तो इस प्रकार के जो डायग्राम है उसको बोलते हैं पाई डायग्राम। ओके, तो अब हम देखेंगे आगे थ्री डायमेंशनल डायग्राम, थ्री डायमेंशनल डायग्राम। वन डायमेंशन में क्या करते हैं, सिर्फ दो ही वेरिएबल है उसके बीच हम कंपेयर करते हैं। टू डायमेंशन में क्या करते हैं, एक ही बार जो होता है, एक जो आपका कॉलम रहता है उसमें आप दो वेरिएबल्स को शो कर सकते हो एक ही डायग्राम में, एक ही बार में। ठीक है, इसी प्रकार से अब थ्री डायमेंशन में देखेंगे तो इसमें हम क्या करेंगे, थ्री डायमेंशनल डायग्राम। थ्री डायमेंशनल डायग्राम में क्या आ जाता है, आपका क्यूबिक आ जाता है, घन आएगा। ठीक है, जो भी हमको डेटा मिलेगा या जो भी ग्रुप मिलता है उसको हम क्यूबिक के फॉर्म में शो करेंगे, एक घन बना लेते हैं। इस प्रकार से आप घन बनाएंगे और उसी में आप क्या करेंगे, उसको शो करोगे। कैसे शो करोगे, इसको आप नाम दे सकते हैं ए बी, प्रत्येक जो आपका आप फलक है उसको आप नाम दे सकते हो, अलग अलग नाम दे सकते हो। ठीक, तो इसमें भी आप शो कर सकते हो ऐसा, इस प्रकार से। ठीक, तो ये हो गया आपका थ्री डायमेंशनल डायग्राम। या थ्री डायमेंशनल डायग्राम में हम क्या करते हैं, जो और डेटा भी होता है उसको हम छोटे छोटे चित्र के फॉर्म में भी, छोटे छोटे और जो डायग्राम है उसके फॉर्म में भी हम शो कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गया आपका क्यूबिक या थ्री डायमेंशनल डायग्राम। इसी के साथ साथ आपका आता है रेक्टेंगुलर सॉलिड डायग्राम। ठीक है, एक जैसे हम हीरा को ले सकते हैं, तो हीरा में भी आप इसको शो कर सकते हो। ठीक है, सॉलिड के फॉर्म में। इसी प्रकार से आप पिक्टोग्राम होता है, देखो पिक्टोग्राम, पिक्टोग्राम में क्या करेंगे, जो भी हमको डेटा मिलता है उसको हम पिक्चर के फॉर्म में शो करेंगे। ठीक है, जो भी डेटा रहता है उसको यदि हमको रिप्रेजेंटेशन करना है ग्राफ के फॉर्म में, तो हम क्या करेंगे, उसको पिक्चर बना हुआ, छोटे छोटे पिक्चर बना बना के हम उसको शो करते हैं। इसलिए हम इस प्रकार के जो डायग्राम होते हैं
पिक्टोग्राम। ओके, तो ये हो गया आपका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। ओके, अब इसके बाद हम देखेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो ग्राफिकल देखो, जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है उसमें जो भी डेटा रहता है उसको हम कॉलम के फॉर्म में या फिर बार के फॉर्म में शो करते हैं, लेकिन जो आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन रहता है उसको हम ग्राफ में कैसे बनाएंगे, बिंदु के फॉर्म में शो करते हैं, बिंदु के फॉर्म में या एक रेखा के फॉर्म में शो करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का यूज इसलिए किया जाता है कि जो चीजें आपको डायग्रामेटिक में समझ में नहीं आता या फिर उसका निष्कर्ष आप आसानी से नहीं समझ सकते हैं, तो उसका हम क्या करेंगे, छोटे छोटे बिंदु के फॉर्म में उसको क्या करेंगे, शो करते जाएंगे। यानी कि जो एक डायग्रामेटिक बनता है, ठीक है, जो कि आपका डायग्रामेटिक बनता है उसी में आप छोटे छोटे बिंदु के फॉर्म में या एक रेखा के फॉर्म में आप उसको शो करेंगे। ठीक है, यानी कि उसके मूल बिंदु से स्टार्ट होगा और यहां से आप उसको ऐसा शो कर सकते हैं, छोटे छोटे बिंदु ले सकते हो या फिर उसको ऐसा रेखा ले सकते हो। यहाँ पर एक बिंदु रहता है जहां से इसका जो पिक पॉइंट रहता है वही से आप उसको बिंदु लगा देंगे। ठीक, तो इस प्रकार का जो डायग्राम होता है उसको हम बोलते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, जिसको हम दोनों डिफरेंस यही है कि डायग्रामेटिक में हम जो डेटा है उसको बार के फॉर्म में शो करते हैं, लेकिन जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होते हैं उसमें हम बार के ऊपर ही बिंदु बिंदु करके उसको हम शो करते हैं। ठीक, हम प्रत्येक जगह उसको बिंदु हम ऐसे लगा सकते हैं, कहां पर क्या आया है कहां पर क्या नहीं आया है, इसका भी बहुत प्रकार से होता है। ठीक है, तो देखते हैं कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में। तो फर्स्ट आपको देखेंगे 12 बांग का बंटन के लेखा चित्र। ठीक है, यानी कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या करते हैं हम लोग कि जो भी डेटा रहता है उसे फ्रीक्वेंसी में हम कल देखे हैं, दो प्रकार के देखे हैं। ठीक है, एक तो एक सिंपल फॉर्म रहता है, एक जो क्या रहता है क्लास इंटरवल के फॉर्म में रहता है, वर्ग अंतराल के फॉर्म में रहता है। ठीक है, तो इसको आइए हम जल्दी जल्दी देखते हैं। देखो, फर्स्ट आपका है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हम क्या करते हैं, जो हमको डेटा दिया जाता है उसको एक एक्स एक्सिस पे लेंगे, वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स जो भी वेरिएबल्स दे रहेगा उसका वैल्यू लेंगे एक्स एक्सिस में, एंड वाई एक्सिस में हम क्या लेते हैं जो फ्रीक्वेंसी हमको दिया रहेगा, फ्रीक्वेंसी जो हमको दिया रहता है। ठीक, यानी कि वेरिएबल के अकॉर्डिंग हमको जो फ्रीक्वेंसी दिया रहता है, ठीक है, वेरिएबल के अकॉर्डिंग जो फ्रीक्वेंसी दिया रहता है उसको हम डायग्राम के फॉर्म में, यानी कि बार डायग्राम और उसके साथ साथ ही उसके जो बिंदु वाले जो डायग्राम है उसमें हम शो कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको शो कर सकते हो ऐसा, है इसी प्रकार से बारंबारता बहुभुज यानी कि फ्रीक्वेंसी पॉलिनोमियल या पॉलीग्राम। ठीक है, फ्रीक्वेंसी पॉलीग्राम, तो फ्रीक्वेंसी पॉलीग्राम में भी बिल्कुल इसी तरह से होता है। दोनों में डिफरेंस यही है कि जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन लेखा चित्र हम जो बनाते हैं उसमें इस प्रकार से बिंदु न लेकर क्या करते हैं उसको सिंपल फॉर्म में से कलर कर देंगे। ठीक है, कलर कर देंगे, तो यह आपका सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का एक ग्राफ हो जाएगा। इसी प्रकार से यदि हमको क्या करना है पॉलीग्राम के फॉर्म में शो करना है, जो पॉलीग्राम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन रहते हैं जो बहुभुज के फॉर्म में रहते हैं उसको हम ऐसा रेखा के रूप में से शो करेंगे, दर्शाते हैं। ठीक, इसी प्रकार से जो बारंबारता वक्र यानी कि फ्रीक्वेंसी कर्व होता है उसको भी आप शो कर सकते हो। ठीक है, फ्रीक्वेंसी कर्व मीन्स क्या होता है,
कि जो हमको फ्रीक्वेंसी मिलता है उसको कर्व के फॉर्म में, ठीक है, एक इस प्रकार से उसको हम कर्व के फॉर्म में शो कर सकते हैं। कोई भी हमको एक कर्व मिलेगा तो उस फॉर्म में आप उसको शो कर सकते हो। ओके, तो ये होगा आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीग्राम। ठीक है, यहां तक समझ में आया है, आगे का हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, थैंक यू।